हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना पीएफ का जो बैलेंस है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले दोस्तों आपने गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ टाइप करना है उमंग। उसके बाद दोस्तों जैसे आप एंटर करते हैं वहाँ पर आपको उमंग ऐप दिख जाएगा, आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो पूरी तरह से अब डाउनलोड हो गया है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। अब दोस्तों आपने यहाँ पे देखिए ओपन लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पे स्किप फॉर नाउ कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपसे लोकेशन मांगी जाती है तो आप यहाँ पे डिनाई भी कर सकते हैं और अलाउ भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे येलो बॉक्स में लिखा हुआ है रजिस्टर एंड लॉगिन, आपने इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपने यहाँ पे अपने डिवाइस की लोकेशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्टर करने दोनों की ऑप्शन मिल जाती है। तो अगर आपका पहले से ही नंबर रजिस्टर है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर रजिस्टर नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ रजिस्टर हेयर, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इससे मोबाइल नंबर एंटर करके रजिस्टर कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अभी आपको लॉगिन करके दिखा रही हूँ, तो आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर रही हूँ। उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे एमपिन नंबर पता नहीं है कि क्या है मेरा, तो मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगी लॉगिन विद ओटीपी के साथ। तो अभी मैं यहाँ पर लॉगिन विद ओटीपी पे यहाँ पर क्लिक करूँगी। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे अब आ गया है सेंड ओटीपी, तो आपने सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है जिससे आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि मैसेज जो आपके फ़ोन में है वो अलाउ है, तो आपने यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों मेरे दूसरे मोबाइल पे ओटीपी आ गया था, वो मैं यहाँ पे एंटर कर देती हूँ। आपने उसके बाद एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे ढूंढना है ईपीएफओ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे रिसेंटली यूज्ड में ईपीएफओ आ रहा है क्योंकि मैंने ये पहले भी चेक किया था। आपने थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है, आप नीचे आके देखिए यहाँ पे सजेशन में ईपीएफओ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके ईपीएफओ पे जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने जाना है सर्च में और सर्च फॉर डिवाइस जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपने टाइप कर देना है ईपीएफओ। अब आप देखिए यहाँ पे नीचे ईपीएफओ यहाँ पे आ गया है, हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए जो हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये यहाँ पे ओपन हो जाती है। इसके अलावा आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आपको होम पेज पे ही सजेशन में भी मिल जाता है, आप वहाँ से भी क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार आपको वहाँ पे भी चेक करके दिखा देती हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो सजेशन में ईपीएफओ लिखा हुआ है हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से हमें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो लिखा हुआ है वो दिखाई देता है। अब हमने क्या करना है, देखिए राइट साइड पे लॉगिन की ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही दोस्तों आप यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंटर यूएएन, तो आपने यहाँ पे अपना यूएएन जो नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। मैं यहाँ पे अपना यूएएन नंबर एंटर कर देती हूँ। उसके बाद आपने गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल में आपको ओटीपी आ जाएगा, आपने वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी आपके लिंक्ड मोबाइल नंबर पे ही आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों राइट साइड पे लॉगिन की जगह लॉग आउट लिखा आ रहा है। अब यहाँ बहुत सारी ऑप्शन है जिससे आप एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आप बिना लॉगिन की एक्सेस नहीं कर सकते थे। तो आप यहाँ पे अब अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो आपने क्लिक कर देना है व्यू पासबुक पे। व्यू पासबुक पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका यूएनए नंबर लिख जाएगा और यहाँ पे आपको वेलकम मैसेज भी शो हो जाएगा। इसके साथ ही नीचे दोस्तों आपकी जो कंपनी है उसका नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी पीएफ की सारी डिटेल आपको यहां पे मिल जाती है, आपके ऑफिस का नाम, आपका नाम, और इसके साथ ही नीचे आपको दिख जाता है आपकी जो जितनी भी आपकी अमाउंट यहां पे बनी हुई है, तो वो आपको यहां पे डेट के साथ दिख जाती है कि कौन से महीने में आपको कितना यहां पे पैसा मिला है, जहाँ आपके अकाउंट में कितना पैसा ऐड हुआ है आपकी कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपने पीएफ की अमाउंट अच्छे से चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल के साथ। अगर आपकी कंपनी कम पैसे डाल रही है आपके पीएफ में तो आप उनको बता सकते हैं।
तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूले, चैनल को सब्सक्राइब।